हेलो गाइस, यूट्यूब के गुरुकुल हब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एलसीएम और एससीएफ का थर्ड पार्ट। एलसीएम और एससीएफ से रिलेटेड दो वीडियो ऑलरेडी हम चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, वो आपने वॉच कर ली होंगी। अगर आपने अभी तक एलसीएम एससीएफ की दो वीडियोज वॉच नहीं की है तो आप एसएससी मैथ 2018 के प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। उसके साथ साथ नंबर सिस्टम की 4 वीडियो और सिंप्लीफिकेशन की 6 वीडियो भी आप देख सकते हैं। अगर आप पुरानी वीडियो देखना चाहते हैं, सभी टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर दिए हैं। अर्थमेटिक की वीडियोस आपको मैथमेटिक ट्यूटोरियल्स की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी और एडवांस मैथ्स की सभी वीडियोस आपको एडवांस मैथ्स के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा, आप डायरेक्ट वहां पर क्लिक करके भी आप वीडियोस पर जा सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एलसीएम और एससीएफ का आज थर्ड पार्ट। और थर्ड पार्ट में आज एक क्वेश्चन बनता है, सबसे पहले एक फार्मूला पढ़ते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन आता है। चलिए क्वेश्चन ही ले लेते हैं। क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का एलसीएम है, क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ है हमें 225 है एंड एससीएफ हमें दिया हुआ है, एससीएफ दिया हुआ है इसमें 5। ठीक, यदि एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, एक सिंपल सा ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार कि दो संख्याओं का एलसीएम आपको 225 दिया हुआ है, एससीएफ 5 दिया हुआ है, और यदि एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो उसके लिए एक फार्मूला यूज करेंगे आप, फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू। ठीक है, फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर, और ये हो जाता है एलसीएम इंटू एससीएफ। तो ये फार्मूला आप याद रखेंगे। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू की जगह आप रखेंगे 25 इंटू सेकेंड, हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। एलसीएम कितना होता है 225 इंटू एससीएफ हो जाएगा 5, और 25 से काटेंगे 25 निम्मा 225 और 9 पंजे 45, और 45 आपको आंसर मिल जाएगा। यानी कि जो सेकेंड नंबर हमसे पूछा है, दूसरी संख्या जो पूछी है, वो 45 हमारा आंसर हो जाएगी। ठीक है, अब ये तो हो जाता है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, इस पर बेस्ड कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दो संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन, वो दिया हुआ है हमें, मल्टीप्लीकेशन या गुणनफल दिया हुआ है 4107 है। ठीक, और उनका एससीएफ 37 है, एससीएफ 37 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर हमें इस पर इसमें बड़ी संख्या में बतानी है। हमें दिया हुआ है दो संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन यानी गुणनफल 4107 और एससीएफ 37, तो बड़ी संख्या क्या होगी। अब इसको सॉल्व करने के लिए भी आप बिल्कुल इसी मेथड का इस्तेमाल करेंगे, इसी फॉर्मूले से, क्योंकि जो दोनों संख्याओं का जो मल्टीप्लीकेशन है वो है क्या, एलसीएम इंटू एससीएफ। तो अगर मैं इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन की जगह यहां पर रख दूं 4107 इज इक्वल टू एलसीएम इंटू 37 एससीएफ रख देते हैं। ठीक है, तो 37 से अब इसको काट लेंगे, 37 से वन टाइम जाएगा, कितना बचेगा 4, और 37 से वन टाइम, फिर वन टाइम, तो हमारे पास एलसीएम जो आ जाएगा वो आ जाएगा 111। तो इन संख्याओं का यानी कि वो जो दो संख्या है उनका एलसीएम हमें पता चल गया 111 है। अब 111 एलसीएम है, ठीक है, एससीएफ हो जाता है हमारा 37, लेकिन हमसे पूछा गया क्या गया यहां पर कि बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर क्या होगा। तो आपको एक चीज याद रखनी है, फिर से इस फार्मूले को रखेंगे कि एक चीज ये ध्यान रखेंगे, जो हमारा एससीएफ जो होता है वो जो संख्या होती है, जो भी नंबर हमें दिया हुआ है उसका कॉमन पार्ट होता है। यानी कि आप क्या रखेंगे, 37 एक्स रखेंगे फर्स्ट वैल्यू एंड सेकेंड रखेंगे 37, ठीक, वाई के लिए, एंड और एलसीएम कितना होगा 111 इंटू 37। ये 37 से 37 कैंसिल कर लीजिए और 37 से तीन बार में ये, तो एक्स इंटू वाई आपके पास आ जाएगा 3। ठीक, एक्स इंटू वाई आपके पास आ जाता है 3, क्योंकि 37 दिया 111 हमने ये निकाल लिया। अब आपको करना क्या है, देखिए x इंटू वाई आपके पास 3 आ जाता है, तो आपको 3 के मल्टीपल फैक्टर बनाने पड़ेंगे, यानी कि गुणा करने पर उनकी आपस में
तीन बनना चाहिए, तो एक बन जाएगा, एक और तीन, ठीक, और सिंगल एक यही बन पाएगा, इसके अलावा और कोई बन ही नहीं पाएगा मल्टीप्लीकेशन में। तो आपको करना क्या है, वन और थ्री बन गया, तो यानी कि आपकी जो पहली संख्या बनेगी, पहली संख्या बनेगी 37 की, इसमें गुणा कर देंगे 37 एकम 37, और दूसरी संख्या जो बनकर आएगी वो आएगी 37 दिया 111। तो दोनों संख्या आपको जो मिलकर मिलेंगी यहाँ पर, वो पहली संख्या 37 मिलेगी और दूसरी बड़ी संख्या जो होगी वो 111 हो जाएगी, क्योंकि 37 दिया 111 होता है। तो समझ में आ गया आपको। तो इस क्वेश्चन को आप कुछ भी पूछा जा सकता है, आपसे एलसीएम पूछा गया, आपने एलसीएम निकाल दिया, आपसे एचसीएफ दिया हुआ था, आपने एलसीएम निकाला और उसी एलसीएम और एचसीएफ की हेल्प से आपने वो दोनों नंबर आपने निकाल दिए कि पहली संख्या कौन सी होगी और दूसरी संख्या कौन सी होगी, या पूछा कि बड़ी संख्या क्या होगी, तो 111 बड़ी संख्या आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन हो जाते हैं, आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। क्या 75 और 125 के बीच है तो बड़ी संख्या क्या होगी। अब देखिए इसमें करना क्या है आपको, जैसे मैंने अभी बताया था, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो आपको सिंपल वही करना है। एलसीएम के लिए 455 और 13 रखेंगे एचसीएफ के लिए। अब यहाँ पर हमें फर्स्ट नंबर या सेकेंड नंबर कोई दिया नहीं है, लेकिन ये दिया है बस एक संख्या 75 और 125 के बीच में, और वही संख्या हमें फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे, देखिए जैसा कि मैंने अभी बताया था, जो हमारा 13 ये एचसीएफ है वो उन संख्याओं का कॉमन पार्ट होगा, तो हम क्या रखेंगे, पहली वैल्यू रखेंगे 13x गुणा दूसरी 13y। इस 13 से एक ये वाला 13 कैंसिल कर लेंगे और इसे 13 से 455 को काटेंगे, तो 13 43 और 13 65, यानी कि x इंटू वाई हमें मिल जाता है 35। ठीक, तो x इंटू वाई आ गया हमारा 35, और जैसे कि मैंने बताया था कि इसके आपको को प्राइम नंबर में फैक्टर करने पड़ेंगे, यानी कि दो ऐसी संख्याओं में आपको फैक्टर करना पड़ेगा जो आपस में एक दूसरे को ना काट पाए मल्टीप्लीकेशन में। तो पहला बनेगा 135, ठीक, और फिर 5 37 और बस यही बन पाएंगे, क्योंकि फिर तो रिपीट होना शुरू हो जाएगा, तो दो ही पेयर बन पाएंगे हमारे। ठीक है, एक 35 और 5 37 35, क्योंकि फिर जब पलटेंगे तो 7 और 5 बनेगा और 35 और 1 बनेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, केवल एक साइड से ही लेकर चलते हैं 135 एंड 5 to 7। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको 13 से जो इसका एचसीएफ है, अब हमें यहाँ पर वो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं कि कौन कौन से नंबर हैं, तो आपको 13 से जो इसका एचसीएफ है उससे यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 13 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 13 एकम 13, और दूसरे यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 पंजे 65 और 13 39, यानी कि 455। तो एक संख्या बनेगी 13 और बड़ी संख्या बनेगी 455, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसने बोला है कि एक संख्या 75 और 125 के बीच में होनी चाहिए, तो ये वाला तो आंसर हमारा नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, फिर 13 की गुणा करेंगे यहाँ पर, तो 13 की गुणा करेंगे 13 पंजे 65 और 13 सत्ते 91। तो पहली संख्या हमारी होगी 65 और दूसरी संख्या हो गई 91, और दोनों ही संख्या दोनों में से जो 91 है 75 और 125 के बीच में आ रही है, तो 91 हम आंसर वहाँ पर लगाएंगे। जो हमें चार ऑप्शन दिए जाएंगे, ठीक है, वहाँ पर 65 भी होगा, लेकिन आपको 91 लगाना है। क्यों लगाना है, क्योंकि 91 वो नंबर है, जो वह संख्या है जो 75 और 125 के बीच में है, और इसका एचसीएफ 65 और 91 का 13 बनता है, और एलसीएम 455 इन दोनों का बनता है। समझ में आया क्या क्या किया हमने, बिल्कुल सिंपल से मेथड से इस तरीके से आप इसको सॉल्व करके आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अब ये सेकंड फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं कि दो संख्याओं का योग 216 है, उनका मैस है 27 है, तो ऐसी संख्याओं के कुल कितने जोड़े बनेंगे। अब यहाँ पर योग की बात की गई, योग की बात की गई, तो बिल्कुल हम उसको योग के आधार पर ही सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, जो हमारा एचसीएफ है 27 है, तो हम रखेंगे 27x प्लस 27y और इन दोनों को जोड़कर बराबर रख देंगे, किसके, 216 के बराबर रखेंगे। अब यहाँ से 27 हम कॉमन लेंगे, तो ये बनेगा x प्लस वाई इक्वल टू 216, ठीक है, और ये कट जाएगा 8 बार में 8 7 56 और 8 2 16 और 5 21, ठीक है, 8 बार में कट जाएगा, तो x प्लस वाई हमारे पास आ जाता है 8।
ठीक है। तो यहां पर हमें क्या बताना है, ऐसे कि संख्या के कुल कितने जोड़े बनेंगे। अब यहां पर योग से बन रहा है, यानी कि x प्लस y इज इक्वल टू 8 है, तो x प्लस y इज इक्वल टू 8 है, तो 8 के जोड़ने पर आप फैक्टर बना लीजिए। जैसे 1 और 7 बन सकता है, ठीक है, 2 और 6 बन सकता है, 3 और 5 बन सकता है, उसके बाद फिर रिपीट होना शुरू हो जाएगा। 2 और 6 आप ले नहीं सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ये आपस में संख्याएं एक दूसरे को काट रही हैं, और हमें ऐसी संख्याएं लेनी होती है जो आपस में एक दूसरे को डिवाइड या काट ना पाए। तो कितने जोड़े बने, 1 और 7 पहला जोड़ा बना, और 3 और 5 दूसरा जोड़ा बना। तो कुल मिलाकर कितने जोड़े बनेंगे, 2 जोड़े बन जाएंगे, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपको? तो यहां पर आंसर हमारा 2 जोड़े आंसर हो जाता है, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन हो जाते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका एससीएफ 4 है, तो एलसीएम क्या होगा। अब यहां पर दो संख्या का अनुपात हमें दिया हुआ है, 3:4 दिया हुआ है, उनका एससीएफ 4 दिया हुआ है, तो उनका एलसीएम क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो आपको करना क्या है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, सिंपल जो अनुपात आपको दिया हुआ है 3:4, उसमें एससीएफ से आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस 4 की इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करना होगा, 4 3 12 और 4 4 16, तो वह आपको एग्जैक्ट नंबर मिल जाएंगे जो कि वो संख्याएं हैं, यानी कि एक संख्या हो जाएगी 12 और एक संख्या हो जाएगी 16, क्योंकि एससीएफ मैंने अभी बताया था आपको कि कॉमन पार्ट होता है, और एससीएफ के हम उन दोनों के अनुपात में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो नंबर्स हमें मिल जाते हैं। अब 12 और 16 का आप एलसीएम निकाल लीजिए, जो भी आपको मेथड पता हो, जो आपको बेस्ट लगता है, तो उससे आप 48 जो कि इनका एलसीएम होगा, एलसीएम आंसर 48 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में कई बार हमसे पूछ लेता है, मान लीजिए यहां पर हो जाता कि क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं, कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका एलसीएम 120 है, तो एससीएफ क्या होगा, क्वेश्चन उल्टा पूछ लिया, ठीक है। तो तब आपको क्या करना है, यहां पर पूछा गया कि दो संख्या का अनुपात 3:4 है, उनका एलसीएम 120 है, तो उनका एससीएफ क्या होगा, या वे संख्या क्या क्या है, कौन कौन सी संख्या है। तो आपको करना क्या है, जो आपको ये अनुपात दिया हुआ है 3 और 4, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 4 12, 3 और 4 की मल्टीप्लाई कीजिए 12, और 12 से 120 को डिवाइड कर दीजिए, 12 × 120, तो 10 जो आपका आएगा वही इसका एससीएफ हो जाएगा। तो दो संख्याओं का जो अनुपात 3:4 है, उनका एलसीएम 120 है, तो उनका जो एससीएफ निकल कर आएगा वो 10 होगा। समझ में आया? अब 10 आपको एससीएफ पता चल गया, अगर वो पूछे कि ये संख्या कौन कौन सी है, तो इस 10 की इन दोनों में गुणा कर दीजिए, 10 × 30 पहली संख्या और 10 × 4 40 दूसरी संख्या, तो एक संख्या 30 हो जाती है, एक संख्या 40 हो जाती है, दोनों का एससीएफ हो जाता है 10 और दोनों का एलसीएम हो जाता है 120। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन भी इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। अभी 7th क्वेश्चन देखते हैं कि दो संख्याओं का एलसीएम एंड एससीएफ का मल्टीप्लीकेशन, जो उनका गुणनफल है वो 24 है और दोनों संख्याओं का अंतर 2 है, तो वे संख्या क्या होगी। तो बिल्कुल इसको बहुत ही आसानी से समझते हैं। देखिए जो मैंने भी आपको फॉर्मूला बताया था कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू होता है एलसीएम इंटू एससीएफ, और एलसीएम और एससीएफ का जो मल्टीप्लीकेशन है वो दोनों नंबर के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल है। एलसीएम और एससीएफ का मल्टीप्लीकेशन यहां पर आपको 24 दिया हुआ है, तो यानी कि एलसीएम और एससीएफ का जो मल्टीप्लीकेशन है वो दोनों नंबर के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा, यानी कि एक्स इंटू वाई कितना होगा, 24 होगा।
और दोनों का डिफरेंस यहाँ पर दो दिया हुआ है, तो आप खुद से इमेजिन कीजिए, ऐसे दो नंबर्स इमेजिन कीजिए जिनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दी जाए तो 24 बन जाए, और जिनको आपस में घटा दिया जाए, आपस में जिनका डिफरेंस निकाला जाए तो 2 आ जाए, क्या होगा? 24 का ऐसे फैक्टर करो, क्या होगा? 6 और 4, 6 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 6 चौक 24, और 6 में से 4 को घटाएंगे कितना आएगा? 2, तो क्या होगा? वे संख्या कौन कौन सी हो गई? एक संख्या 6 हो गई और एक संख्या 4 हो गई। सिंपल क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है, समझ में आया? एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है 45 दिया हुआ है, ठीक है, और उन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो है 4, तो क्या करेंगे? 9 5 45 और 9 - 5 कितना होगा? 4, तो एक संख्या 9 हो जाती है, एक संख्या 5 हो जाती है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन आप बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के इजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो और ये सब क्वेश्चंस आपको हमारे नोट्स में मिल जाएंगे, जो हमारा पीडीएफ नोट्स है, और मैं आपको दिखा देता हूँ उसमें। हाँ, तो हमारा इसमें जो हमने कवर किए हैं टोटल, आपको जो दिए हैं 27 क्वेश्चंस दिए हैं आपको एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड, तो जो भी आपने पीडीएफ आपने परचेज की है हमसे, तो उसमें ये 27 क्वेश्चंस हो जाते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने अपनी क्लास में भी कवर कर लिए हैं, और काफ़ी अलग क्वेश्चंस आपको इसमें भी मिल जाएंगे, तो आप इसमें भी अच्छे से देखें और प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की, ठीक है। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक पीडीएफ नहीं लिया वो आप ले सकते हैं, नीचे इसी वीडियो के नीचे जो व्हाट्सअप नंबर है इस पर कॉन्टैक्ट कीजिए, वहाँ से आप ले सकते हैं। 100 रुपीज़ आपको पेटीएम के थ्रू चार्ज देना होगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो पीडीएफ से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आप करके चलें, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, बाकी जो वीडियोस में मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ वो तो हैं ही। अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 12 गुना है, और एचसीएफ और एलसीएम का योग जो है वो 403 है, यदि एक संख्या 93 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? देखिए, तो एलसीएम हमें यहाँ पर दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है एचसीएफ का 12 गुना, तो यानी कि अगर एचसीएफ को यहाँ पर x मान लिया जाए तो ये हो जाएगा 12x एलसीएम हो जाता है हमारा, 12x एलसीएम 12x एचसीएफ x, क्योंकि 12 गुना है, और एचसीएफ और एलसीएम का जो योग है वो 403 है, तो इसको हम प्लस करके रख देते हैं, 12x प्लस x इज इक्वल टू 403, यानी कि 13x इज इक्वल टू 403, 13 3 39 और 13 एकम 13, तो x बराबर हो जाएगा 31, और x क्या था हमारा? एचसीएफ, ठीक, और एलसीएम हो जाएगा इसका 12 गुना 12 गुना 31, और मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था, वही फॉर्मूला, फर्स्ट इंटू सेकेंड वैल्यू, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, एलसीएम इंटू एचसीएफ, और फर्स्ट नंबर के लिए आपको क्या रखना है? 93 इंटू सेकेंड नंबर एंड एलसीएम 12 गुना 31, क्योंकि हमारा एचसीएफ 31 आया है, तो 31 का 12 गुना 12 गुना 31 रख देंगे, और एचसीएफ 31 हमें दिया हुआ है, और 31 दिया, 93 और 3 चौक 12 है, तो सेकेंड नंबर जो हमारा आएगा वो आएगा 4 की 31 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दिया 12 4 एकम 4 124 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे आप बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल अच्छे तरीके से इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन नोट्स से ले लेते हैं, जो हमारा पीडीएफ नोट्स है उसमें है क्वेश्चन नंबर 16 है कि यदि दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात x अनुपात y है तथा एचसीएफ z है तो उनका एलसीएम क्या होगा? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो जाता है हालांकि। तो अब इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको जो रेशियो दिया हुआ है x इंटू वाई, x रेशियो y दिया हुआ है, तो पहली वैल्यू बनेगी x और y इंटू में, लेकिन मैंने क्या बताया था, एचसीएफ उसका कॉमन पार्ट होता है, तो आप एचसीएफ की इसमें मल्टीप्लाई करके रखेंगे, यानी कि जेड एक्स और इधर रखेंगे जेड वाई, और बराबर रखेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो एलसीएम तो हमें नहीं पता, फाइंड आउट करना है, और एचसीएफ कितना दिया है? जेड, ठीक, एक जेड से ये जेड कैंसिल हो जाएगा, तो एलसीएम आपको मिल जाएगा यहाँ पर
एक्स वाई जेड, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस नोट्स में हमने जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे अच्छे क्वेश्चंस को ही लिया है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को लिया है। ठीक है, जो आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं। ये देखिए, जो अभी ये क्वेश्चन सॉल्व किया है हमने, 21 क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यही सब क्वेश्चंस थे एलसीएम से, एससीएफ से रिलेटेड, और ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है, और यही हमारा यहीं पर हो जाता है ये टॉपिक भी पूरी तरह से कंप्लीट। तो एलसीएम और एससीएफ से रिलेटेड हमने कुल मिलाकर 3 वीडियो प्रिपेयर की हैं, और तीनों वीडियोस में और प्लस पीडीएफ को मिलाकर हम पूरे टॉपिक को पूरी तरह से कवर कर जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि अब फिर किसी एग्ज़ाम के लिए कोई भी क्वेश्चन ऐसा रह जाता है जो हमारी रेंज से बाहर रहेगा। लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई क्वेश्चन हमारी रेंज से अभी रह गया है, छूट गया है, तो आप कमेंट में बताएं। तो नेक्स्ट वीडियो में, रिवीजन वीडियो में या प्रॉब्लम्स वाली वीडियो में हम उन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे द्वारा भेजी गई सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।